नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मिश्र आप लोगों के समक्ष आपका चहेता डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्फोटेड पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। जैसे कि दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है बिल्कुल सोमवीर रमाकांत गुड मॉर्निंग बेटा, और इसमें जब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं तो पूरी फैकल्टी पैनल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। टेक और नॉन टेक दोनों फैकल्टी पैनल आपके सामने है। उसी प्रकार से जब अपन दोस्तों देखते हैं कि लाइव जो क्लास है उसका पीडीएफ अपन को अगर चाहिए तो लाइव क्लास का जो पीडीएफ रहेगा उसके लिए आपको इन्फोट्रेड का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने से वो चीज़ें दोस्तों अपन को पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगी। अगर नहीं जाना है तो इसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा, उसको डाउनलोड करेंगे। आपको चाहिए कि कुछ लाइव जो बैच हैं, जैसे तेजस बैच की मैं बात करता हूँ जिसमें अभी 5 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ उसमें 20% का ऑफ चल रहा है। ये आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2024 के लिए, ये कौन से ब्रांच के लिए, फिटर मैकेनिस्ट टर्नर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन के लिए भी 20% का ऑफ चल रहा है लाइव बैच में। उसी प्रकार से आपका मैकेनिक मोटर वाहन के लिए भी और डीजल मैकेनिक के लिए भी आपका अभी तक 20% का ऑफ चल रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि देर ना करें और अभी इसको दोस्तों परचेज करें। नेक्स्ट जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं ऑफलाइन सेंटर के लिए, आपको जो आना पड़ेगा राजस्थान में जो जयपुर पिंक सिटी के अंदर, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मैप गूगल मैप है, गूगल मैप के माध्यम से आप इजी वे में अपने दोनों जो ऑफलाइन सेंटर है उस पर पहुंच सकते हैं। ये मुरादनगर जो गाजियाबाद में, उसके गूगल मैप को आप स्कैन करेंगे। अगर और अधिक जानकारी लेनी है तो ये आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर आप अपनी अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जब दोस्तों अपन अगर देखेंगे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले क्लास में करवाए थे, उससे नेक्स्ट अपन अगर चर्चा करते हैं तो देखेंगे सुक्रोज जो होता है एक्वायर्स नेचुरली इन, ये बताएंगे आप। जो सुक्रोज होता है वो प्राकृतिक रूप से दोस्तों किस में पाया जाता है, सुक्रोज जो होता है वो प्राकृतिक रूप से दोस्तों किस में पाया जाता है। हम जानते हैं सुक्रोज जो होता है वो प्राकृतिक रूप से, जब मैं बात करता हूँ तो शुगर कैन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, शुगर कैन में पाया जाता है, बिल्कुल रमाकांत आपका सही है। सुक्रोज जो होती है एक प्रकार की शुगर होती है, ये एक प्रकार की क्या होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है। इसे शुगर का शर्करा को अपन दोस्तों किस नाम से जानते हैं, इसको अपन टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा यानी शुगर कैन के नाम से भी इसे जाना जाता है, गन्ने की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अपन व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जानते हैं, व्यापारिक शर्करा, इसे व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक शर्करा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे चीनी का उत्पादन किया जाता है, चीनी का उत्पादन किया जाता है, इसी कारण से इसे अपन व्यापारिक शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीज आपको दोस्तों याद रखते हुए चलना होगा। चलो बिल्कुल सही है यहां तक दीपक, 21वें में ए बिल्कुल सही बेटा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर है। मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित होता है, एटॉमिक मास पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर, एटॉमिक रेडियस पर और एटॉमिक नंबर पर। आपसे पूछे मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित होता है, बताएंगे। आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट आंसर चाहिए, फटाफट से आंसर दो। जब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं कि मेंडलीफ का आवर्तीय नियम किस पर आधारित होता है तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट होते हैं। मेंडलीफ साहब ने क्या किया था, मेंडलीफ साहब ने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, एलिमेंट्सों को एटॉमिक वेट के आधार पर रखा, एटॉमिक
वेट के बेस पे रखा, और एटॉमिक वेट को अपन मास नंबर भी कह सकते हैं, इसको अपन मास नंबर भी कह सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसी कारण इसमें आपके पास में आ जाएगा राइट आंसर एटॉमिक मास। अच्छा एक चीज और, मेंडलीफ ने सबसे पहले जो एलिमेंट्स जमाए थे वो टेबल में जमाए थे, और मेंडलीफ ने सबसे पहले टेबल में जमाए थे, इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। सोमवीर बिल्कुल सही है बेटा, रूपेश गुड मॉर्निंग भाई, चलेंगे। दीपक आंसर दो बेटा। अब देखो क्या होता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ, आप आंसर भी देना, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, बताओ आंसर दो बेटा इसमें। रूपेश आंसर देंगे बेटा, सोमवीर आंसर दो, दीपक, रमाकांत आंसर दो, बॉयज बताएंगे भाई इसमें क्या रहेगा, आंसर देते हुए चलना बेटा। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल होता है वो मोजले साहब को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मोजले को बेटा। मोजले को क्यों कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के आधार पर रखा। सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इन्होंने एलिमेंट्स को किस आधार पर रखा, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था वो एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज किया था, ये हमें याद रखना होगा। बिल्कुल मोजले इसमें राइट आंसर है, और इन्होंने मेंडलीफ की जो भी गलतियां थी उन गलतियों का सुधार करने का काम किया। इन्होंने हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में एक फिक्स स्थान दिया। इनके समय तक जो नोबल गैस थी उनको भी डिस्कवर किया गया था, इसी के कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इनके पीरियोडिक टेबल में आपको याद रखना होगा 7 तो आवर्त थे और 18 वर्ग, 7 आवर्त और 18 वर्ग इनके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनती है, मेड अप ऑन, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली वो बताएंगे। प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किस किस से मिलकर होता है, प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है बताइए। जब मैं बात करता हूँ प्लाज्मा झिल्ली की तो बेटा ये आपको याद रखते हुए चलना होगा कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर बनती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड से मिलकर इसका दोस्तों क्या होता है, निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है, आपसे पूछा है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, जो तंत्रिका जो ऊतक होता है बेटा उसकी जो यूनिट होती है वो होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होती है वो आपको समझना होगा। न्यूरॉन हमारे शरीर में छोटे छोटे से जो तंतु होते हैं उनका एक पूरा जाल फैला हुआ है, उस जाल को दोस्तों न्यूरॉन्स के नाम से जाना जाता है। लगभग लगभग वो हमारे शरीर में 100 अरब के समथिंग है एडल्ट के अंदर। जो तंत्रिकाएं इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाती है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन को ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करता है, वो न्यूरॉन्स की हेल्प से ही करता है, इसी कारण से इसे इकाई के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है तंत्रिका ऊतक की जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स होती है। और बेटा याद रखना दो न्यूरॉन जहां पर जुड़ती है, ये दो तंत्रिकाएं जहां पर जुड़ती है, दो तंत्रिका जहां पर जुड़ती है उसे, दो तंत्रिकाएं जहां पर जुड़ती है उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, सिनेप्स के नाम से
जाना जाता है, उसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना होगा, क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उसे क्या कहा जाता है, उसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि रेलवे का जो बैकबोन कहा जाने वाला जो सब्जेक्ट साइंस के जो वो फैक्ट है, उन फैक्ट को मैं आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, दो तंत्रिकाएं जहां पर जुड़ते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। बेटा ये भी आपको याद रखना होगा, तंत्रिकाएं जन्म लेने के बाद उनमें कोई भी किसी प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, मशीन के पुर्जों में इतने एको का उपयोग करने पर जो गति होती है वो सुचारू रूप से स्मूथ हो जाती है। अब जैसे आपने देखा होगा सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन में जैसे ही तेल डाल दिया जाता है, टारपिन का तेल होता है, तो वो बहुत हल्की चलने लग जाती है, सॉफ्ट उसका सुचारू रूप से चलने लग जाता है। उसी प्रकार से कोई भी जो मशीन होती है जिसके जो पुर्जे होते हैं उन पुर्जों में जब फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन को कम करने के लिए इसने एक का यूज किया जाता है, ग्रीस हो जाता है, काला तेल हो जाता है, केरोसिन ऑयल हो जाता है, उसका यूज किया जाता है, जिससे उनका जो फ्रैक्शन होगा वो कम हो जाता है। और फ्रैक्शन जब कम हो जाएगा तो वो स्मूथ रूप से दोस्तों क्या होने लग जाता है, सुचारू रूप से चलने लग जाता है। तो इसमें आपके पास में आ जाएगा डी। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरी मुखी में मदद करता है। आपको ये पूछा गया कि कौन सा होता है। अच्छा, इसमें अगर टिश्यू पूछ लेता कि कौन सा टिश्यू होता है, तो बेटा टिश्यू तो आपको याद होना चाहिए कि टिश्यू कौन सा होता है। जैसे कि ये जड़ होती है और ये हो जाती है अपने प्लांट। हम ये जानते हैं जड़ों से जल और खनिज जो ले जाने का काम करता है, जल व खनिज ले जाने का जो काम करता है वो बेटा आपको याद रखना होगा, वो तो होता है जाइलम। एक टिश्यू होता है जो जाइलम कहा जाता है। इसमें जो भोजन बनता है, फूड बनता है, वो फूड को वापस जड़ों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो करता है फ्लोएम। तो आपको ये याद होना चाहिए, दो प्रकार के टिश्यू, टिश्यू में अगर पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए। ये प्रोसेस के बारे में बात करें तो वो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। वो कौन सी क्रिया होती है? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया। और अगर वो टिश्यू पूछेगा तो टिश्यू में वो जाइलम और पत्तियों से जो भोजन ले जाता है तो फ्लोएम। इतना सा याद रखना होगा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? साउ बिल्कुल ट्रांसपेरेशन इसमें आ जाएगा। रूपेश, बॉयज, रमाकांत, दीपक, चलो बेटा कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आप इन्हें क्लियर करते हुए चलोगे। नेक्स्ट आ जाइए आप, पिंडी पीत सिरा पिंडी पीत सिरा मोजेक बीमारी फैलने का माध्यम क्या है? आंसर दो बेटा, इसमें आंसर दो, इसमें किसके द्वारा फैलता है? पिंडी पीत सिरा मोजेक, मोजेक अगर कोई भी शब्द आ जाता है तो वो वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण? वायरस के कारण फैलता है। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना होगा, कोई भी मोजेक अगर शब्द आ जाता है प्लांट से रिलेटेड, तो वो जो फैलने का जो कारण होता है वो आपका हो जाता है वायरस। किसके कारण फैलता है? वो वायरस के कारण फैलता है। एक पॉइंट तो ये आपको याद रखना होगा कि सूक्ष्म जीव कई तरीके से हानिकारक होते हैं। गेहूं हो जाता है, चावल हो जाता है, आलू हो जाता है, गन्ना हो जाता है, इन सभी में दोस्तों मोजेक जो रोग होगा तो वो आपको क्लियर करते हुए चलना है। पीतपिंड सिरा मोजेक, मोजेक एक क्या होता है? वायरस जो कीट के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट बताइए, यदि एक छिलुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाता है? यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिलाया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा?
जल्दी जल्दी आंसर दो। कोई भी आलू जो होता है आपने देखना, आलू को आप छीलो और आलू को छीलने के बाद उसमें जब अपन नमक डाल देते हैं, आयोडीन मिलाया जाता है, तो इसका जो रंग होता है वो नीला नीला सा हो जाता है। अगर नीला ऑप्शन में नहीं आएगा तो काला, लेकिन वो मोस्टली क्या हो जाता है, नीला नीला सा हो जाता है, नीला और काला हो जाता है, याद रखना इस चीज को। मोस्टली इसमें जो आएगा वो आपके पास में आयोडीन मिलाने के बाद में वो कैसा हो जाता है, वो नीला और काला हो जाता है, लेकिन मोस्टली इसमें जो आएगा वो नीला आएगा, ठीक है। येलो नहीं आएगा भाई, येलो नहीं आएगा, ब्लू आएगा इसमें, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट, आप बताइए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, बताइए। एसिटिक जो अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता क्या है, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और एसिटिक अम्ल का आपसे पूछा है कि IUPAC नाम क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, प्रोपेनाइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या ब्यूटेनोइक अम्ल, CH3, आंसर दो इसमें भाई, जल्दी जल्दी आंसर देते हुए चलेंगे कि इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। हम जानते हैं इसमें जो आपसे पूछा जाता है, एथेनोइक अम्ल पूछा होता है, एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम होता है वो एथेनोइक अम्ल होता है। एक और होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक जो अम्ल होता है उसका IUPAC जब नाम पूछा जाता है तो मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो आपको ये क्लियर करते हुए चलना होगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होता है, और यदि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसमें आपके पास में आ जाता है मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को, कोई डाउट है, रमाकांत, अमित, रूपेश, उदित, सूर्या, दीपक, बॉयज, अंशुमान साहू, बिल्कुल वेलकम है बेटा आपका। चलो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, है ना। नेक्स्ट बताइए आप, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है। अपन ये देख रहे हैं पशुओं के जो व्यवहार हो जाता है वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है। जब उसने पूछा कि उसे क्या कहा जाता है तो उसे एथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एंटोमोलॉजी ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है, जो छोटे छोटे से जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अध्ययन को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होती है पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को, पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसके अध्ययन को दोस्तों इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो एथोलॉजी जो होता है वो पशुओं के जो व्यवहार हो जाता है उनके जो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ जो अध्ययन किया जाता है वो ही दोस्तों क्या कहलाता है, एथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। बताओ भाई सोमवीर, क्लियर हुआ, दीपक, अंशुमान, रमाकांत, क्लियर है बेटे, यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ। चलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको तो ये सब चीज अध्ययन वाला तो याद रखना होगा, और अध्ययन वाले में आपका जो याद होता है जैसे फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फूलों का अध्ययन को दोस्तों अपन कहते हैं एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। और अगर पूछ लिया जाए फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इसे पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, मत्स्य पालन के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है, पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसे अपन फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, फाइकोलॉजी। उसी प्रकार से फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। नोट बना लेना, ये नोट्स में उतारते हुए चलना, माइकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आई होप कि सब चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये बेटा आपको नोट करते हुए चलना होगा, जो भी मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस के अलावा, उसको आप कॉपी के अंदर लिखते हुए चलना, क्योंकि यही क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे क्या रहेगा, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण पल्लवीय खाली जगह की अति से वृद्धि होती है। जल्दी से आंसर दो, इसमें क्या रहेगा, इसमें बेटा जल्दी से आंसर देंगे क्या रहेगा। एग्जाम में बस डायरेक्ट इसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो जलाशय होते हैं, जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण यह पल्वीकीय है खाली जगह की अति से वृद्धि होती है, उसमें आपके पास में जाता है एल्गी, शैवाल, शैवाल का होता है। बिल्कुल सही है आपका अंशुमान सी, बिल्कुल सही है। रूपेश पाल आपका भी सही है, दीपक आंसर है बिल्कुल सही है आपका। चलो, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कॉन्फिडेंस आप होता है कमेंट्स करने से, कमेंट्स भी किया करो। तो आपको याद होना चाहिए कि जलाशय जो होते हैं, जलाशय का मतलब होता है जहां पर जल इकट्ठा होता है, जो जल इकट्ठा होता है उसे जलाशय कहते हैं। हम जानते हैं आपने काय देखा होगा, जो काय होती है वो एज ए दोस्तों क्या होती है, शैवाल के रूप में होती है। जो काई होती है वो ऐजे किसके रूप में होती है दोस्तों, शैवाल के रूप में होती है। तो शैवाल जो होता है जलाशयों में काफी मात्रा में पोषकों की जो उपस्थिति के कारण जो अगर अपन बात करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाता है, शैवाल हो जाता है। अच्छा, गर्म पानी के जो झरने आपसे पूछे जाते हैं, गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के जो झरने होते हैं, झरनों में भी दोस्तों किसका निर्माण होता है, शैवाल का निर्माण होता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जहाँ पर पानी स्टोरेज होते हैं या फिर गर्म पानी के जो झरने होते हैं, वहाँ पर जो पाया जाता है दोस्तों पोषक के रूप में, वो क्या पाया जाता है, वो पोषक के रूप में जो पाया जाता है वो आपका हो जाता है शैवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शैवाल पाया जाता है। ये आपको याद रखते हुए चलना होगा। डिफरेंट प्रकार के शैवाल होते हैं। एक क्वेश्चन जो रेलवे मोस्टली तरीके से पूछता है वो क्या है, वो भी मैं आपको क्लियर कराता हुआ चलूंगा। मोस्टली सबसे ज्यादा जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्लोरेला नामक एक शैवाल आपने सुना होगा, क्लोरेला नामक शैवाल। रेलवे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पुट अप करता है वो यही करता है। आज तक के इतिहास में शैवाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है तो यही पूछा है। क्लोरेला नामक जो शैवाल होता है, ये अंतरिक्ष यात्री इसे अंतरिक्ष हौज में उगा कर ले जाते हैं। अंतरिक्ष हौज में उगा कर ले जाते हैं। हौज होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, हौज में इसे उगा कर ले जाते हैं। उगा कर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि इससे वो अपना भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष हौज में क्या उगा कर ले जाते हैं जिससे वो अपना भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ये याद रखना होगा कि अंतरिक्ष यात्री जो उगा कर ले जाते हैं वो क्लोरेला नामक एक शैवाल होता है जिससे वो अपना भोजन और अपना ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। बेटा आपको ये भी याद रखते हुए चलना होगा,
क्लोरेला नामक शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी होती है वो 70% होती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रोटीन की क्वांटिटी किस प्रकार के शैवाल में पाई जाती है? आपको याद होना चाहिए क्लोरेला नामक शैवाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है मशरूम, इसमें 65% प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है। सॉरी, मशरूम से पहले आपके पास आ जाता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना ये एक शैवाल होता है जिसमें 65% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। फिर आ जाता है मशरूम, और मशरूम में 56% यानी लगभग 52% के आसपास इसमें रहता है। और उसके बाद फिर आ जाता है सोयाबीन जिसमें 42% दोस्तों प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है। 42% जिसमें प्रोटीन की क्वांटिटी पाई जाती है। ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पूरी जो डिटेल्स बता रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। रूपेश, सोमवीर, रमाकांत, जितने भी बॉयज, अंशुमान बेटा, इनको, दीपक, इनको आप नोट कर लेना, और जिस दिन आप पेपर दोगे, सीबीटी फर्स्ट दोगे, उस दिन आपको ये सब चीज़ याद आएगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बेटा एक्सपीरियंस बोल रहा है आपको, मैं जितनी भी चीज़ें आपको नोट करवा रहा हूँ साइड में, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे, जिस दिन आप पेपर दे के आओगे उस दिन आपको खुद का एहसास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे और बताएंगे। मिश्र धातु एक होती है, मिश्र धातु एक किस प्रकार का मिश्रण होता है? हम जानते हैं मिश्र धातु जो, जैसे कॉपर और जिंक को ले लेंगे तो हमारे पास ब्रास बन जाता है, पीतल बन जाता है। अब पीतल में ना तो आप कॉपर को छांट सकते हो, ना ही जिंक को छांट सकते हो, ना तो आप कॉपर को छांट सकते हो ना ही जिंक को छांट सकते हैं। जैसे सोल्डर आपको बनाना है, शीशा और टिन से मिलकर आपका सोल्डर का निर्माण होता है। तो आप मुझे बताओ, जब सोल्डर बन जाएगा या फिर ब्रास बन जाएगा तो क्या उन दोनों धातुओं को आप अलग अलग कर सकते हो? तो जब उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता तो आपका आ जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? दो डिफरेंट मैटर के पार्टिकल्स को यदि घोला जाता है तो उनके पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसे अपन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब जैसे आप बात करेंगे, आपने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में आपने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दी, आपने नमक मिला दिया, ऊपर से नींबू और निचोड़ दिया, शिकंजी तैयार हो जाती है। क्या आप उसमें से मिलाई हुई चीनी को, नमक को या नींबू के रस को अलग अलग कर सकते हो क्या? अरे यस या नो में आंसर दो, क्या आप अलग अलग कर सकते हो क्या? जब आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे अपन होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं, उसे ही अपन क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो हमने देखा है कि कॉपर और जिंक को मिला दिया जाए तो पीतल तैयार हो जाता है। क्या पीतल में से आप कॉपर और जिंक को अलग अलग कर सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो बेटा वो कौन सा मिश्रण हो जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। एलिमेंट्स क्या होता है? जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बनता है उसे अपन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। दो या अधिक एलिमेंट्स मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वो बेटा यौगिक हो जाता है। मिश्रण की अगर मैं बात करता हूँ,
बेटा अगर मैं मिश्रण की बात करूंगा तो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड से मिलकर बने पदार्थ को अपन मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। बेटा मिश्रण दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स घुलने के बाद उन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। बट डिफरेंट अगर किया जा सकता है पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे पानी में आपने सॉइल घोल दिया, सॉइल होता है मिट्टी को घोलने के बाद कितने भी आप घोल दो, दोनों को आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे सॉइल में पानी में आपने क्या कर दिया, छोटे छोटे से कंकर घोल दिए, हम कंकर को अलग कर सकते हैं क्योंकि कंकर पानी में घुलते ही नहीं है। उसी प्रकार से आप केरोसिन तेल मिला दो, केरोसिन जो तेल होता है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, उसका डेंसिटी कम होता है तो वो ऊपर आ जाता है तो इजिली अलग अलग दोनों को देखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट है किसी भी बच्चे को? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट आप बताएंगे मछली के लीवर में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है। मछली का जो लीवर होता है उसमें प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है ओमेगो थ्री मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। और ओमेगो थ्री क्या करता है, हड्डियों की जो डेंसिटी होता है उसको बढ़ाने का, घनत्व को बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि हड्डियां जो होती है उनके घनत्व को अगर बढ़ाने में मददगार होता है तो उनको स्ट्रांग बनाने का काम करती है। डेंसिटी का मतलब होता है जिसके पार्टिकल्स पास पास में होते हैं उसे डेंसिटी कहा जाता है। अब जब ये हड्डियों को मजबूत करने का काम करेगा तो ओमेगा थ्री पदार्थ होता है, सीधा याद रखेंगे आप। एक पॉइंट तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया कि ओमेगा जो थ्री होता है उससे हमारी जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा पदार्थ होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है, ओमेगा थ्री जो हमारी हड्डियों के डेंसिटी को इंक्रीज करने का काम करेगा। डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो हड्डियां मजबूत होती है। क्वेश्चंस आपसे जो पूछा है कि मछली के जो लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है विटामिन, अगर आपसे पूछेगा ए और डी, ये दोनों विटामिन इसमें पाई जाती है, दोनों विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए भी पाई जाती है और विटामिन डी भी पाई जाती है मछली के जो ऑयल होता है उसके अंदर। लीवर जो ऑयल होता है उसमें कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए और डी दोनों पाई जाती है। अब दोनों के बारे में जब मैं आपसे चर्चा करता हूँ कि विटामिन ए इसका जो नाम होता है रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ये विटामिन ए मोस्टली जो पाई जाती है वो गाजर में पाई जाती है, और गाजर के अलावा फिर किस में पाई जाती है, लीवर ऑयल में पाई जाती है, मछली के लीवर ऑयल में पाई जाती है। अगर मैं विटामिन डी की बात करता हूँ तो बेटा इसका नाम आप याद रखना कैल्सिफेरॉल होता है, केमिकल नाम। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है, लाइक भी करेंगे और बेटा शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे जो बच्चे नए आए हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए कि विटामिन डी जो होगा इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। बेटा याद रखेंगे कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कहते हैं, हार्मोन की तरह। आपसे सीधा पूछे जाएगा हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा होता है, हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सनशाइन विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है, वह कौन सा विटामिन होता है जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। तो बेटा आपको याद रखना होगा सनशाइन विटामिन के नाम से जो जाना जाता है वो विटामिन डी होता है। तो तीन क्वेश्चंस
लीवर ऑयल, मछली के जो लीवर ऑयल में पाया जाता है विटामिन ए और डी दोनों पाए जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, मुख्य रूप से ये गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूंगा तो विटामिन डी का केमिकल जो नाम होता है कैल्सिफेरॉल होगा, एंड मुख्य रूप से ये जो पाया जाता है वो मछली के जो लीवर ऑयल होता है उसमें पाया जाता है, सनशाइन विटामिन के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे तेज मात्रा में बनने वाला विटामिन कौन सा होता है, सबसे तेजी से बनने वाले विटामिन का अगर क्वेश्चन आएगा, विटामिन डी इज ए करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा होगा, विटामिन डी इज ए करेक्ट आंसर। आपसे पूछा जाए कि सनशाइन विटामिन के नाम से कौन सा जाना जाता है, विटामिन डी इज ए करेक्ट आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। विटामिन से रिलेटेड ऐसे ही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल लाइक बी करते हुए चलेंगे। और बेटा इस प्रकार के क्वेश्चंस को खोज के इनको मारने भी सीखेंगे अपन। फिर नेक्स्ट एक आपका फाइलम का रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डाला है जो पूछा गया है, ऑक्टोपस किस प्राणी संघ के अंतर्गत आता है? अपन जानते हैं ऑक्टोपस एक समुद्री प्राणी होता है, समुद्री प्राणी होता है, और समुद्री जो प्राणी होता है तो समुद्री प्राणी मोस्टली जो आते हैं मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि समुद्री प्राणी होते हैं। इस रात्रिचर जीव को डेविल फिश भी कहते हैं, इसे डेविल फिश भी कहते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को डेविल फिश, ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना होगा। डेविल फिश के नाम से क्यों जाना जाता है? रात्रि चर के कारण इसे दोस्तों डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मोलस्क वर्ग में और कौन कौन से आते हैं, तो बेटा मोलस्क वर्ग जो होता है उसमें घोंगा आता है, सीप आता है, घोंगा आ जाता है, सीप आ जाते हैं, और आपका ऑक्टोपस आ जाते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोलस्क का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें दोस्तों समुद्री प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते हैं? शंख बनाने का काम करते हैं। ये क्या होता है? शंख बनाते हैं। आपने देखा होगा जो बजरी होती है, नदियां होती है, नदियों में शंख मिलते हैं, और नदियों में जो शंख बनाने का जो काम होता है वो दोस्तों किसके कारण होता है? मोलस्का वर्ग के कारण होता है, सीप और घोंगा के कारण होता है। ये हमें याद रखते हुए चलना होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आज बताइए, जैव आवर्धन निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ के लिए सुविदित होता है? बताइए जल्दी जल्दी आंसर देंगे। नेक्स्ट बताइए जल्दी आंसर दो भाई। कौन सा तत्व जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन में विषैले पदार्थ के रूप में होता है? जल्दी जल्दी आंसर दो, क्या रहेगा इसमें?
बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल होते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, लकड़ी के कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, डीजल का जलना, कोयले का जलना, जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो यार। हम ये जानते हैं लकड़ी के जलने के बाद कोयले का जलना, लकड़ी के कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, डीजल का जलना या कोयले का जलना, जो पर्यावरण के लिए जो अनुकूल होते हैं वो आपको बताना होगा। जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होता है, पर्यावरण के अनुकूल जब होगा, जब पॉल्यूशन को कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा तो पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, ये अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर लकड़ी जलेगी तो धुआं और राख बनेगा जो पॉल्यूशन करता है, डीजल भी दोस्तों पॉल्यूशन करता है, लकड़ी के कोयले का जलना उसमें भी पॉल्यूशन होता है, कोयले का जलना इसमें बर्निंग ऑफ कोल आ जाएगा, बर्निंग ऑफ चारकोल से गैस निकलती है जो पॉल्यूशन फैलाती है। चलो, लकड़ी का जलना अरे पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल कब होगा, जब वो पॉल्यूशन को कम होगा, और पॉल्यूशन अगर कम होगा, लकड़ी जलेगी तो धुआं भी होगा, धुआं होगा वो पॉल्यूशन फैलाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए और बताइए, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर दो कि उन्हें क्या कहा जाता है। अंशुमान, दीपक, डेमो, दीपक, अंकित, आशीष, उदित सूर्या, रूपेश, रमाकांत, बताए बेटा फटाफट से आंसर दो, इसमें क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो गंध के बात होती है तो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अगर बदल जाती है तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्राण सूचक के नाम से जाना जाता है। ग्राण का मतलब होता है सूंघने के बाद जो चीज का पता लगाया जाता है वो ही दोस्तों इसी के अंतर्गत आ जाएगा, बिल्कुल। तो आपके पास में सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दर्शाया कि किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, क्या एडमंड बैकरेल ने, क्या मेंडलीव के द्वारा, लुई पाश्चर के द्वारा या जोसेफ प्रेस्ले के द्वारा, इसने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, ऑक्सीजन को खोजा, इसने दोस्तों क्या किया था, किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है, ये बात जो बताई थी लुई पाश्चर ने, किण्वन सूक्ष्म जीवों के विकास के कारण होता है। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बताया, आवर्त सारणी के बारे में बताया मेंडलीफ ने, और लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी। तो बेटा आपको याद होना चाहिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इज ए करेक्ट आंसर, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा होता है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा होता है,
विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम? हम जानते हैं मोलस्का दोस्तों इसमें आ जाएगा। मोलस्का जो होता है ये सबसे बड़ा दूसरा प्राणी संघ होता है, दूसरा सबसे बड़ा अगर कोई प्राणी संघ आपसे पूछा जाता है तो इसमें मोलस्का आ जाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और मोलस्का में मैंने आपको बताया कि जो समुद्री जो जीव होते हैं, समुद्री जो प्राणी होते हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके पास सीप, घोंगा, ऑक्टोपस, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत रहेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट जब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे तो संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा किस जानकारी को व्यक्त किया जाता है? अभिकारक उत्पादकों के संबंधित द्रव्यमान, प्रक्रिया में शामिल अणुओं की कुल संख्या, विकल्पों में से सभी, अभिकारक और उत्पादों के संबंधित सूत्र। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समझ में आए, हम जानते हैं कि जब दो रिएक्टेंट के बीच में जब कोई क्रिया होती है तो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इन दोनों के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स या द्रव्यमान की जो संख्या होती है वो जो तीसरा जो प्रोडक्ट होता है उसके दोस्तों कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जब इन दोनों के बीच में कोई भी रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट होते हैं उसके बीच में अगर कोई क्रिया होती है उसमें जितने अणु होते हैं उतने अणु आपके प्रोडक्ट के अंतर्गत होने चाहिए। तो अपन क्या समझते हैं? अपन ये समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में बैलेंस की स्थिति बनी रहनी चाहिए, चाहे वो मास नंबर से बने रहो, चाहे वो एटॉमिक नंबर से बने रहो, चाहे फॉर्मूले से बने रहो, लेकिन संतुलित अवस्था में होने चाहिए। अगर वो संतुलित अवस्था में है तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट रहेगा। चलिए क्लियर हुआ, नेक्स्ट आ जाइए। और नेक्स्ट बताइए, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि पौधों की जो कोशिका भित्ति मुख्य रूप से दोस्तों किसकी बनी रहती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो इसमें आपके पास में जो राइट आंसर ए नहीं आएगा ना यार, ए क्या होता है? सुगर कैन, सरकरा के नाम से जाना जाता है। सुगर कैन सरकरा सुगर के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। जो गन्ने की सरकरा जिसके बारे में मैंने डिटेल्स बताई कि इसे टेबल सुगर के नाम से, इसे बिजनेस सुगर के नाम से भी जाना जाता है। सेलुलोज से मिलकर जो बना होता है वो कोशिका भित्ति बनी होती है। लैक्टोज इसे मिल्क सुगर, इसे मिल्क सुगर के नाम से भी जाना जाता है। माल्टोज इसे माल्ट सुगर के नाम से जाना जाता है। माल्ट का मतलब गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ये जितने भी जो भी माल्ट होते हैं उन सभी में दोस्तों कौन सी सुगर पाई जाती है? माल्टोज सुगर पाई जाती है। कौन सी सुगर पाई जाती है? माल्टोज सुगर पाई जाती है। इसे ही अपन दोस्तों माल्ट सुगर के नाम से जानते हैं। चलो भाई, या तक कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो बताओ। डेमो, दीपक, बॉयज, रमाकांत, अंशुमान, उदय, सूर्या, सोमवीर, बताओ बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? माल्टोज ड्राई फ्रूट्स और ग्रेन्स में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, मक्का में पाए जाते हैं। यानी माल्ट के, माल्ट का मतलब ही होता है अनाज, अनाजों में जो पाई जाती है वो इसी के अंतर्गत आती है। अब बताएंगे बेटा यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सदैव होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों ऊर्जा जो पिरामिड होता है वो सदैव दोस्तों ऊपर की ओर होता है, सीधा होता है। सदैव दोस्तों कैसा होता है? सदैव सीधा होता है, ऊपर की ओर होता है, याद रखेंगे। डायरेक्ट पारिस्थितिक तंत्र का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और पारिस्थितिक तंत्र का जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है
तो मोस्टली तीन प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वन पारिस्थितिकी के अंतर्गत, ऊर्जा पिरामिड के अंतर्गत और वन पिरामिड के अंतर्गत, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अपराइट, बिल्कुल सही, ऑलवेज अपराइट। तो आपको याद होना चाहिए कि ऊर्जा जो पिरामिड होता है वो हमेशा दोस्तों कैसा बनता है, अपराइट बनता है, यानी कि सीधा बनता है। बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आ जाओ। और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है, पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थिरीकरण से तात्पर्य क्या होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियों का सहसंबंध, खाद्य श्रृंखला में दो पोषी स्तरों के बीच संबंध, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में सभी प्रजातियों का अंतर संबंध, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न परतों में विभिन्न प्रजातियों का लंबवत वितरण होता है। बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर दो। पारिस्थितिकी क्षेत्र में स्थिरीकरण से तात्पर्य क्या है, हम जानते हैं कि विभिन्न तंत्र की विभिन्न परत स्तरों में विभिन्न प्रजातियों का दोस्तों लंबवत जो वितरण होता है वो ही आपका दोस्तों पारिस्थितिक क्षेत्र में स्थिरीकरण से तात्पर्य होता है। सी नहीं आएगा बेटा इसमें, डी आएगा, सी नहीं आएगा इसमें। आपके पास में जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, डी आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट, आप बताएंगे, पानी ठोस अवस्था में खाली जगह के रूप में पाया जाता है, पानी जो होता है वो ठोस ही अवस्था में होता है तो वो किसके रूप में पाया जाता है, जल्दी से आंसर दो। पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्मेट में होगा, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते हैं वो जो लिक्विड फॉर्मेट होता है वो सॉलिड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सॉलिड जो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बर्फ बनेगा, बादल बनेगा, झाग बनेगा या फिर स्टेम बनेगा। हम जानते हैं पानी जमने के बाद दोस्तों किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत गलना कारण होता है, यकृत किसके कारण गलता है, बताओ जल्दी से आंसर दो। लीवर रॉट इज केज्ड बाय, लीवर रॉट इज केज्ड बाय, आंसर दो भाई। पेसिओला, हैपिटेला, सी आपके पास में रहेगा, सी, ए नहीं आएगा, सी आएगा इसमें, सी आपके पास में रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्लेग किसके कारण फैलता है, प्लेग, प्लेग किसके कारण फैलता है, जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक है बेटा, ये याद रखेंगे। जो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की ट्रिक आपको समझना है तो ये समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जी का मतलब होता है गोनेरिया, गोनेरिया भी बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस, सिफिलिस भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, तपेदिक को बेटा क्या बोलते हैं, टीबी, काली खांसी, बूपिंग कफ, काली खांसी इसे कहते हैं बूपिंग कफ, न्यू यानी होता है निमोनिया, टीका मतलब टिटेनिस, और ये हो जाता है बेटा कॉड, जो त्वचा प्रभावित होती है, हैका मतलब हैजा, यानी कि ये जितने भी जो भी रोग होते हैं ये सभी की सभी रोग किसके कारण फैलते हैं, बैक्टीरिया के कारण। तो अगर क्वेश्चंस आते हैं
निम्न में से कौन सा डिजीज बैक्टीरिया के कारण होता है, उसकी ट्रिक्स मैंने आपको लिखाई है, उसकी ट्रिक्स होता है जीएसटी पंडित जी का न्यू टीका है, ये आपको याद रखना होगा। चलो यहां तक क्लियर हो गए, क्लियर है ना यहां तक? तो आपसे अगर पूछा जाए प्लेग किसके कारण फैलता है, तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। चलो यहां तक आई आपकी जितने भी जो भी चीजें आपको पढ़ाई वो क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के कंटेंट का एंजॉय करने के लिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस का मजा लेने के लिए फिक्स 10 बजे मैं आपको मिल लूंगा। तो कल नेक्स्ट 10 बजे यानी कि मंडे को, संडे का ऑफ रहेगा, मंडे को फिर मिलते हैं अपन 10 बजे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बने रहे आपके चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंफोटेक पावर बाय इंजीनियर्स एकेडमी पर। थैंक यू।